सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हमारा सीरीज रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि मैं आप लोगों से पहले ही बात कर चुका हूँ, राइट। आज हम बात करेंगे अल्फाबेट सीरीज के बारे में। अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपके लिए दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पहला है इंट्रोडक्टरी सेशन एंड दूसरा है आपका न्यूमेरिकल सीरीज। अगर दोस्तों आपने दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जरूर से जाके देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक एक मार्क्स की बहुत बड़ी वैल्यू होती है और ये चैप्टर बेसिकली 5 मार्क्स का है। यहाँ तक होपफुली आप अच्छे से समझ रहे होंगे, कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपके क्लियर कर दिए हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तो अल्फाबेट सीरीज की बात करेंगे, अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है, हम वो भी बात करेंगे यहाँ पर, राइट। तो देखिएगा, सबसे पहले अल्फाबेट सीरीज का एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन है, स्काई राम RAM TOP टॉप UTE SNP। यहाँ पर मैंने 5 वर्ड्स लिए हैं और इनसे रिलेटेड मुझे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगा, यहां पर जैसे अल्फाबेट सीरीज है, अगर आपको कोड्स याद रहे, अल्फाबेट के कोड याद होना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको अल्फाबेट कोड याद है, राइट, तो आप एग्जाम में इजीली जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपको अल्फाबेट के कोड याद नहीं है तो प्लीज मस्ट वॉच माई इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने ये सारी बात की है, वहां पर आप कैसे कोड को याद रखते हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने जरूर से डाली हुई है, आप जरूर से चेक कीजिएगा। जितना जल्दी, देखो मैं बता रहा हूं आपको, इस पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कोड याद नहीं है या आपने वो लिंक नहीं देखा है ना, तो प्लीज आप आगे मत बढ़ो, आप वीडियो को यहीं रोको और सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्टरी सेशन देखिएगा, वहां पर आप पहले कोड याद करके आइएगा, फिर हम यहां बात करेंगे। अगर आपको कोड याद नहीं होंगे ना तो आप ये सोचोगे चल क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज रिमेंबर द कोड। तो चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन का हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड It changed to the next alphabet in English alphabetical order. How many words thus formed have at least 2 vowels? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। If the third alphabet in each of the word it changed to the next alphabet in English alphabetical order, how many words thus formed have at least 2 vowels? तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा question number 1, बेसिकली हमने क्या पढ़ा था और वो कहना क्या चाह रहा है कि आपको जो भी वर्ड दिए हैं, यहाँ पर मैंने 5 वर्ड्स लिए हैं, राइट, उनके थर्ड अल्फाबेट को मुझे उसके नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है। यानी जैसे वाई है तो वाई का नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर जेड होता है, तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर ऐसे कितने वर्ड फॉर्म होंगे जिसमें एटलीस्ट 2 वॉवेल्स होंगे। तो जरा चेक कीजिएगा, यहाँ पर अगर ये एक्स है ये वाई है तो नेक्स्ट क्या बनेगा, जेड। यहां आप देखेंगे तो RAM का कोड होता है 13, तो M का नेक्स्ट अल्फाबेट 14, यानी क्या आएगा, N आएगा। फिर यहां पर आप देखोगे तो TOQ आएगा, फिर आएगा आपका UT और E का नेक्स्ट होता है आपका F, और नेक्स्ट आप देखेंगे तो SNQ, क्योंकि P का नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, Q होगा। यहां तक आपको समझ में आया? अभी देखिएगा आप यहां पर वॉवेल्स आपको अगर नहीं समझता है, A, E, I, O and U की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा चेक करना है कि कितने वर्ड में A, E, I, O, U 2 टाइम्स आया है। तो देखिए यहां पर नहीं है, RAN में A है बट एक अल्फाबेट है तो हमें एटलीस्ट 2 चाहिए, O है बट एक है हमें एटलीस्ट 2 चाहिए, UTF में कुछ भी नहीं है ना, यहां देखेंगे SNQ में भी कुछ भी नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि हमें सेकंड एंड थर्ड में एक एक अल्फाबेट मिला है, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एटलीस्ट टू अल्फाबेट जो है वो क्या होने चाहिए,
वॉवेल्स होने चाहिए, तो यहां से मेरा आंसर क्या बनेगा, नन। यानी यहां पर जो फाइव हमें वर्ड दे रखे हैं, अगर हम उनके हम थर्ड अल्फाबेट को नेक्स्ट में चेंज करेंगे तो हमें कोई भी ऐसा नया वर्ड फॉर्म नहीं हुआ जिसमें कम से कम दो अल्फाबेट वॉवेल्स हो, दो अल्फाबेट वॉवेल्स हो। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मैंने आपको लिख लिख के समझाया है, आप डायरेक्ट भी देखोगे तो कैसे आएगा। आप पहले स्टार्टिंग के टू अल्फाबेट्स देख लो अच्छे से, स्टार्टिंग के टू अल्फाबेट्स में कोई वॉवेल है क्या? अगर स्टार्टिंग के टू अल्फाबेट्स में कोई वॉवेल नहीं है या है, तो आपको सिर्फ नेक्स्ट वाले में याद रखना है कि नेक्स्ट को जब आप चेंज करोगे तो वो वॉवेल्स होता है या नहीं होता। जैसे एन जेड एन क्यू एफ क्यू, ये वॉवेल्स नहीं होते। सो यहां से मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड्स ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स विल बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट्स। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर टू क्या है वो समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर टू मुझे बोला जा रहा है कि आपको जो भी वर्ड दिए हैं उनको रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। पहले आप ये समझिएगा कि रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है। रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है यानी उनको उल्टे क्रम में जमाना। जैसे अगर 26 अल्फाबेट तो 26, 25, 24 इस तरह से जमाना, यानी जेड वाई एक्स इस तरह से जमाना। या जैसे सपोज एबीसी अगर मैंने लिया है 3 अल्फाबेट का एक सेट, तो उसका रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर या इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा वो आप समझ लीजिए, सी बी ए, वो आपका क्या होगा, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ में आया, गुड। यहां पर देखिएगा कैसे आप अरेंज करेंगे। तो अगर आपको कोड याद है, जैसे एस का कोड 19, के का कोड 11, वाई का कोड 25, तो इजी हो जाएगा। यानी यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका आएगा वाई, उसके बाद आपका आएगा एस, और उसके बाद आएगा आपका के, और उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि फॉर्म होने के बाद ऐसे कितने वर्ड हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं और लिख के भी कर सकता हूं। तो यहां पर ये निकला, इसके बाद R18 A1 M13, तो ये बनेगा R M और A, राइट। उसके बाद हम TOP की बात कर दो, T सबसे पहले आता है, उसके बाद P आता है, फिर O आता है, क्योंकि तो T20 होता है, P16 होता है, O15 होता है। उसके बाद देखे 21, 20 एंड कितना होता है 5, तो ये 21, ये 20 और ये कितना हो गया 5। तो आप अरेंज करेंगे तो U T और E। यहां पर मैंने आपको क्या किया है, नंबर्स लिख दिए हैं। तो अगर कोडिंग डिकोडिंग में फिर से बोलूंगा, आपने देखा है तो अच्छी बात है। नाउ यहां पर आएगा S N P, S 19 एंड 14, P आपका होता है 16, तो यहां बनेगा S, फिर आएगा P और फिर आपका क्या आएगा N। इस तरह से हमने अरेंज किया। और उसके बाद हमें क्या पूछा जा रहा है, ऐसे कितने न्यू वर्ड हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए Y स्टार्ट हो रहा है मेरा, T स्टार्ट हो रहा है, R स्टार्ट हो रहा है, U स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि U ऑलरेडी क्या है, वॉवेल्स है, और लास्ट में क्या है, S, S मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तो यहां पर मैं आंसर क्या लिख सकता हूं कि यहां पर मेरे इस तरह से 4 वर्ड्स जो है वो एस्टैब्लिश्ड हुए हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहेगा मेरा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ द फिफ्थ वर्ड फ्रॉम द राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो क्या बोल रहा है आपसे, आपसे ये बोल रहा है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से जाना है और आपको देखना है कि थर्ड वर्ड जो है उसका सेकेंड अल्फाबेट, तो कहां से, लेफ्ट से। तो थर्ड वर्ड ये मेरा है टीओपी, लेफ्ट से थर्ड मेरा टीओपी है, और उसका सेकंड अल्फाबेट क्या है मेरा, ओ, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, ओ। और उसके बाद मुझे बोला जा रहा है कि फिफ्थ वर्ड का राइट एंड से, राइट एंड से अगर आप फिफ्थ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्काई, और उसका आपको क्या चाहिए, थर्ड अल्फाबेट, तो थर्ड अल्फाबेट आपका क्या बनेगा, एस बनेगा। देखिए गलती से भी आप वाई मत ले लेना प्लीज, वो क्या कर रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राइट एंड से काउंट कर रहा है ना कि आपको लेफ्ट एंड से। अगर राइट एंड से आप इस तरह से आएंगे यानी आप अपने राइट टू लेफ्ट आएंगे तो थर्ड वर्ड आपका एस मिलेगा,
कई लोग वाई करके निकल जाएंगे। यहां तक समझ में आया? और उसके बाद पूछा जा रहा है कि ये जो दो अल्फाबेट आए हैं ओ और एस, इसके बीच में यानी बिटवीन कितने और वर्ड हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ओ आता है मेरा किस पे 15 पर और एस आता है मेरा किस पे 19 पर। तो 15 और 19 के बीच में सिर्फ तीन ही नंबर आते हैं 16, 17, 18। यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी के बाद ओ के बाद पी क्यू एंड आर, क्योंकि पी होता है 16, क्यू 17, आर 18। तो मेरा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ थ्री अल्फाबेट ऐसे हैं जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से यहाँ पर आएंगे। तो मेरा आंसर क्या निकलेगा, थ्री। सो क्वेश्चन नंबर फोर जो है आपका, वो आपको क्या बोल रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट है उसको नेक्स्ट अल्फाबेट में चेंज करना है, और जो आपका सेकेंड अल्फाबेट है उसको उसके प्रीवियस अल्फाबेट में चेंज करना है, और उसके बाद हमें ये देखना है कि ऐसे कितने नए वर्ड फॉर्म होंगे जहां पर एक भी वॉवेल नहीं होगा। देखो हमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड के साथ क्या नहीं कर रहा है, यानी थर्ड आपका सेम रहेगा। तो पहले आप अपनी नजरों से ऐसा देख लो कि ऐसा कोई वर्ड है जिसमें थर्ड प्लेस पे कोई वॉवेल नहीं है या है। जरा चेक करते हैं, देखो वाई एम पी ई पी, यानी ई है वॉवेल है, यानी मैं क्या करूंगा, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, यानी मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे वर्ड फॉर्म करने जिसमें कोई भी वॉवेल ना हो। यहाँ ऑलरेडी वॉवेल है, पहली बात समझा, गुड। दूसरी बात, यहाँ हम चेंज करके देखते हैं, अगर आप एस के वाई को आप चेंज करोगे, मैं और क्लियर करता हूँ आपको, एस को आपको आने वाले यानी नेक्स्ट अल्फाबेट में चेंज करना है। एस 19 होता है तो आपका टी 20 होगा, के आपका 11 होता है तो प्रीवियस आपका 10 होता है, यानी आपका क्या बनेगा जे, और ये क्या बनेगा वाई। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आर ए एम, आर आपका होता है 18 तो आपका बनेगा एस 19, और ए होता है आपका 1 तो प्रीवियस आपका बनेगा जेड और एम आपका एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट आप बात करेंगे टी ओ पी, तो टी होता है 20 तो 20 के बाद आएगा 21 यानी यू, ओ होता है 15, 15 से पहले आता है 14 यानी आपका क्या बनेगा एन, और ये आपका पी एज इट इज रहेगा। UTE की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ वॉवेल है। लास्ट आपका क्या बचा है S N P, S होता है 19 तो आपका यहाँ पर आएगा T 20, N होता है आपका क्या 14 तो यहाँ आएगा M, क्योंकि आपको सेकंड अल्फाबेट में प्रीवियस लेना है, और P आपका एज इट इज रहेगा। अभी आप एक चीज याद कीजिएगा, U जो है ना U वो आपका वॉवेल्स है, यानी ये आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिक खत्म हो गया। अब आप देखिए क्या बचा, टी जे वाई एस जेड एम एंड टी एम पी, यहां पर आपका कोई वॉवेल्स है नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, थ्री। मतलब ऐसे तीन वर्ड हैं जहां पर कोई भी वॉवेल नहीं है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, Which of the following will be second from the right? देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको क्या बोला जा रहा है, आप पहले वो समझिएगा। आपको यहां पर जितने भी वर्ड दे रखे हैं उनको आपको क्या करना है, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको जमाना है, और उसके बाद आपको वो वर्ड फाइंड आउट करना है जो आपका राइट से सेकेंड है। आपको बेसिकली यही करना है। तो आप लिख के कर सकते हैं, आपको इंग्लिश डिक्शनरी के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो आप उस हिसाब से भी जा सकते हैं। तो इंग्लिश डिक्शनरी कैसे चलती है, वो क्या करती है, 1 2 3 4, यानी आपका जो अल्फाबेट है स्टार्टिंग छोटा फिर उससे बड़ा, इस तरह से काम करती है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, ये 19 है, ये 18 है आर, टी 20 है, ये 21 है, और ये अगेन 19 है, यानी सबसे छोटा क्या है आपका 18, यानी मैं कह सकता हूं कि पहला इंग्लिश डिक्शनरी मेरा क्या बनेगा, आर ए एम। उसके बाद 18 के बाद हमने बात किया था 19, अभी 19 पर दो हैं, एस के वाई और एस एन पी। देखिए आपको एक और चीज बताता हूं एकदम इजीली, आप एस के वाई पहले लो या एस एन पी बाद में लो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर, क्योंकि हमें लास्ट से यानी राइट एंड से सेकंड पूछ रहे। अगर मैं इसको 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं और इसको 3 देता हूं, तो उसके बाद मेरे पास लास्ट में 2 ही बच गए ना,
ये समझ में आया? मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में ये सब नहीं करने का जो मैं कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट जाओ, ये वन है, ये 19 और 19, 2 और 3 हो गए। उसके बाद आप देखोगे T20 होता है, 21 होगा, तो बेसिकली राइट हैंड से यही निकलेगा, राइट। लेकिन फिर भी और समझ लो, तो आप S ले लो पहले, S यहाँ भी आएगा और S आपका यहाँ भी आएगा। अभी आप K पहले लोगे या N पहले लोगे? K होता है 11 और N होता है 14, तो आप पहले क्या लोगे? K, और यहाँ पर क्या आएगा? वाई, और यहाँ पर आएगा आपका एन और पी। और उसके बाद आप देखोगे तो T20 TOP एंड लास्ट आपका आएगा UTE। और अगर आप यहां से राइट हैंड से काउंट करोगे तो सेकंड आपको क्या मिलेगा? TOP। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। बट ऐसे लिखोगे तो एग्जाम में आपका टाइम कंज्यूम होगा, तो मैं आपको जो डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं आप उससे जाइएगा, आपके लिए इजी रहेगा। सो मेरा फाइनल आंसर क्या निकल के आया? TOP, टॉप। सो स्टूडेंट, हमने आज बात की आप लोगों के साथ अल्फाबेट सीरीज की। अल्फाबेट सीरीज में हम यही बात करेंगे आप लोगों से। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी चैप्टर में अगर एक्सपर्टीज चाहिए, तो एटलीस्ट आप उस चैप्टर के या उस पैटर्न के एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आप देखिएगा कि आप उस चैप्टर में मास्टर बन जाएंगे, और आपको एग्जाम में आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों ही बराबर रहेंगी। तो आज के लिए इतनी ही बातें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।